नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, अभी अभी बोर्ड ने जारी किया कि जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2021 में देंगे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर बोर्ड ने अभी अभी जारी किया कि अंग्रेजी में जो है आप लोग अच्छे अंक से कैसे पास हो सकते हैं। आप लोग 2021 के बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी में कैसे आप लोग अच्छे खासे मार्क्स से पास हो सकते हैं, आप लोग कैसे अच्छे अंक जो है ला सकते हैं 2021 के बोर्ड परीक्षा में, इसके लिए बोर्ड ने अभी अभी जो है यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक जो है जारी किया है। आप लोगों को अंग्रेजी में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर को अच्छे से तैयारी करना है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहे, आप लोग जान सके। डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अंग्रेजी में अच्छे अंक के लिए रोज 2 घंटे पढ़े। देखिए, यहाँ पर जो है बोर्ड ने अभी अभी जो है नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर जो है सभी छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर बताया है कि अंग्रेजी में जो है अच्छे अंक के लिए जो है रोज 2 घंटे पढ़े। अंग्रेजी में आप लोग को किन किन बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर देखिए विषय कोड देखकर लिखे उत्तर। शिक्षिका पुष्पा सिंह ने फोन करने वाले विद्यार्थियों को कहा कि अंग्रेजी की परीक्षा देने में विषय कोड जरूरी देख ले, यानी कि जो भी यहाँ पर आप लोगों को विषय कोड मिलेंगे उस विषय कोड को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख ले, क्योंकि 12वीं बोर्ड में 2 अंग्रेजी चलती है, दोनों में प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं, लिटरेचर अलग अलग होता है, इस कारण जो है ध्यान देकर ही उत्तर लिखे, अन्यथा आप लोग का पेपर भी गड़बड़ हो सकता है। इन बातों को जो है आप लोग को खास ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए इन बातों का रखे ख्याल। देखिए, सैंपल पेपर को कम से कम 2 घंटे अच्छे से पढ़े। जो भी बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है उस सैंपल पेपर को जो है आप लोग को कम से कम 2 घंटे जो है अच्छे से पढ़ना है। और राइटिंग सेक्शन में अच्छे अंक लाने के लिए हर दिन लिखने का अभ्यास कीजिए। जो भी राइटिंग सेक्शन में जो है लिखने के लिए दिए जाते हैं उसमें अच्छे अंक लाने के लिए जो आप लोग को हर दिन लिखने का जो है आप लोग को अभ्यास करना होगा। देखिए, कविता और कहानी के समरी को अच्छे से तैयार कर ले। यहाँ पर जो भी कविता, कहानी और समरी दिए गए हैं उसको जो है आप लोग को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से जो है आप लोग को तैयारी कर लेना है। और चैप्टर के डायलॉग और स्टेटमेंट को अच्छे से जो है तैयार कर ले, इससे जो है आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स जो है आप लोग ला सकते हैं 2021 के बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर जो आप लोग को 5 बातों को जो है खास जो है आप लोग को ध्यान में रखकर जो है आप लोग को तैयारी करना है, तभी जो आप लोग अच्छे खासे मार्क्स जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग अंग्रेजी में ला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग मॉडल पेपर एवं क्वेश्चन बैंक को जो है आप लोग अभ्यास कीजिए, उससे जो आप लोग को 75% जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है पकड़ में आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग मॉडल पेपर एवं क्वेश्चन बैंक को जो है अभ्यास कीजिए, उसी में से जो है आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।